What's going on guys? This is Mahesh Keshwala aka Thugesh. तो भाई बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तूने शाहरुख खान पे वीडियो बनाया, तूने सलमान खान पे वीडियो बनाया, तू क्या जो तूने आमिर खान पे वीडियो नहीं बनाया? बना रहा हूँ, टाइम दो थोड़ा. So on public demand, here's आमिर खान Thug Life. तो भाई मीडिया के सवालों का जवाब देते टाइम आमिर खान जितना बोल्ड और ऑनेस्ट आदमी इंडस्ट्री में भाई कोई है ही नहीं. अब आपको तो पता ही होगा आमिर भाई कोई अवार्ड शो में जाते नहीं है, और 2002 में एक बार आमिर खान ऑस्कर में गए थे अपनी फिल्म लगान के लिए. तो भाई तब से तो आमिर खान को इतने टॉन्ट पड़ रहे कि आमिर खान तो भाई सिर्फ ऑस्कर में जाता है, इंडियन अवार्ड्स में नहीं आता. तो ऐसे ही कुछ रिपोर्टर्स ने आमिर खान को पूछा कि भाई आप इंडियन अवार्ड फंक्शंस में जाते क्यों नहीं हो? तो भाई आमिर खान बीइंग बोल्ड एंड ऑनेस्ट भाई ने सब पोल खोल दी. Why have you stopped attending film awards? You've been getting a lot of awards. Oh. Yes. Why? My question is why? For me, the biggest award that I can get for my work is the audience loving my film. Acha wo jo puri world hai na awards ki. It's a whole game here. It's a bit of a After that, the awards are totally meaningless. Trust me. Meaningless. And you know, a lot of them are also. थोड़े मैं इसमें क्या कहूँ, मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, क्योंकि मैं ये बहुत वक्त से कह रहा हूँ और मुझ पर कई दफ़ा आप लोगों ने तंजिया सवाल भी पूछा है कि आप ऑस्कर के लिए चले जाते हैं और यहाँ नहीं जाते, हिंदुस्तानी अवार्ड में कोई कमी नज़र आती है आपको? और ये बात मैं भरम एक दफ़ा और फिर दूर कर दूँ. वट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट फॉर मी, इफ़ आई हैव वैल्यू इन माई हार्ट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था मुझे इज्जत दे रही है, पहले मेरे मन में उनके लिए इज्जत होनी चाहिए, तो मैं जाऊंगा और उनसे खुश होऊंगा कि इन्होंने मुझे इज्जत दी है. और जहां पे मुझे इज्जत नहीं मिलती और जहां पे मुझे लगता है कि मैं, मेरे दिल में मान नहीं है किसी संस्था के लिए, तो मैं वहां क्यों जाऊं? क्या होगा तेरे मर्जी से, शैतानिया है वर्दी में, छलांगे बेटा मारेंगे, जब रेल है तेरी चलती में, फ्लो में मेरे सर दिए से शो. सब साले अवार्ड के लिए पान पराग और मानिक चंद को बिक गए. अब आमिर खान और अनुष्का शर्मा गए थे पीके के ट्रेलर लॉन्च पे, एंड उस टाइम पे भाई अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के लिंकअप के रूमर्स चल रहे थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में था पटेली रिपोर्टर. अब ये बंदा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और ऊट पटांग सवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ना. तो पूछ दिया भाई ने विराट के बारे में सवाल. प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? अब चलिए मैं अब नाम लेता हूँ कि विराट आपकी फिल्म देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी एक्टिंग से इम्प्रेस होंगे, तो हो सकता है कि प्यार उनके लिए आपका और बढ़ जाए, तो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? प्लेटफॉर्म तो है ना. अरुण जी ऐसा पर्सनल सवाल इतना मत पूछिए, अच्छा नहीं लगता आपको? अच्छा लगता है आप? अच्छा नहीं, वो अच्छी बात नहीं है, है ना? सारी दुनिया वाले जानना चाहते हैं बिकॉज फैन है इनके. नहीं, मैं तो बहुत चीजें जानना चाहता हूँ आपके बारे में. पूछिए, बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ. पूछ नहीं पर वही पुरानी रास्ता, तू क्या है जानता, तू झरना है मिठास का, यहाँ कोई फूल नहीं ये कांटों का है रास्ता, सड़कों पे रेलूंगा ईमान को ना बेच. अब बीच में कुछ साल पहले हुआ था AIB रोस्ट, जो कि सबने छुप छुप के देखा ही होगा. तो उस रोस्ट को लेके भाई बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, बहुत सारे केसेस ठोके गए थे AIB पे. तो उसी बारे में आमिर खान से सवाल पूछा कि आपको वो रोस्ट कैसा लगा और आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? तो आमिर भाई बीइंग बोल्ड अगेन खुले में कह के ले ली करण जौहर की. बट व्हाट वाज बीइंग डिस्क्राइब्ड टू मी, आई फेल्ट इट वाज अ वेरी वायलेंट इवेंट, देयर वाज लॉट ऑफ वायलेंस इन दैट इवेंट. देखिए वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता कि मैं आपको दो जूते मारूं, वायलेंस वर्बल भी होता है, वायलेंस इमोशनल भी होता है. जब आप किसी को इंसल्ट करते हो तो आप वायलेंस परपेचुएट कर रहे हो, आप एक बहुत ही वायलेंट चीज कर रहे हो और आप दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना वायलेंट हूं. मुझे लगा कि इट वॉज अ वेरी वायलेंट शो, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया. तो मैंने अपने, मेरे दोस्त हैं करण और अर्जुन, तो मैंने तो उनको डांटा, मैंने बोला यार मुझे ये फनी नहीं लग रहा है, और 25 गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा? तो गालियों से इंप्रेस होने का, मेरी उम्र निकल चुकी है, मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा. हा हा हा, गाली दी उसने यार. म्यूजिक सुना के देख, गाने बना दूंगा, न्यू स्कूल हिप हॉप में, ओह ये एनर्जी डलवा दूंगा, मैं पागल. आई एम नॉट इंप्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज. आप जोक, अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाए आप मुझे हंसा के दिखाओ, तो मुझे मजा आएगा उसका.
किसी के रंग पे कमेंट करना, किसी के सेक्सुअलिटी पे कमेंट करना और उसको जोक बनाना और मैं आपके साथ हंसूं, मुझे तो हंसी नहीं आ रही भाई इसमें। तो आमिर खान एंड ट्विंकल खन्ना गए थे ट्विंकल खन्ना की एक बुक के लॉन्च पे, तो वो ट्विंकल खन्ना के बुक के लॉन्च से ट्विंकल खन्ना का रोज कब बन गया भाई मालूम नहीं पड़ा, और रोज करने वाले कोई और नहीं आमिर खान ही थे। सो इन द बिगनिंग व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग आई एक्चुअली हैव अ कोट इन माय बुक बिकॉज़ इट वाज हिम, सो आई टोल्ड हिम एंड ही सेड ए यू नो एवरीबॉडी इन इंडिया वॉचेस क्रिकेट डजंट मीन दे कैन प्ले, सो आई एक्चुअली टुक दैट कोट फ्रॉम हिम एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग आई वुड सेंड हिम लिंक्स ऑफ माय कॉलम्स and he would tell me this is rubbish and send me links of satyamev jayate or satyamev jayate every day so one day I sent him a mara piti kare to fir ek pair kabar mein bacche bane baap yahan chuti si umar mein main bhi is area mein bachpan mera face and Aamir, you always known to be very honest about your opinion, did you really think she was a good actress? See, did you think she was a good actress? Shut up, okay, how many times? No, I couldn't act, I'm very happy I quit. Well, you know, all of us have different abilities. अबे छोड़ना कितनी है झंडसी ये देख, अबे छोड़ना खिलाड़ी हमें खेल के मैदान में, अबे छोड़ना हम ध्यान ना कमेंट्री पे दें, अबे छोड़ना खुदा खुदा। मतलब इनडायरेक्ट बोल दिया कि एक्टिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है, बाकी कुछ करो। अब आमिर खान गए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे उनको सवाल पूछा गया उनकी दंगल में बनाई हुई बॉडी पे। अब आमिर खान अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कैलोरीज क्या होता है ये वो, तभी रिपोर्टर को आ गया उसकी गर्लफ्रेंड का फोन, और आया तो आया भाई ने उठाया। 2000 आप खर्च कर रहे हैं, 2000 आप अंदर डाल रहे हैं, तो आपके वजन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर आप खर्च 2000 कर रहे हैं और 1500 खा रहे हैं तो 500 कैलोरी का घाटा हर दिन होगा, और जब 3500 कैलोरी का घाटा होता है तो आप, अरे यार आप बीच में बोलते हो यार, ऐसे मत करो यार, इतना इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ, सब लोगों को ये जवाब चाहिए। नहीं आप मोबाइल बोल के क्या कर लिया आप? हम 8 बार नहीं 9 बार नहीं बार बार के सुधारूंगा मैं इन सब को मार मार के, मेरे काम से फेमस होना चाहते ये मेरे नाम से। अब आमिर खान और शाहरुख खान की राइवलरी किसको नहीं पता, मतलब एक दूसरे की ऐसी लेते हैं ना दोनों, चाहे वो आमिर का कुत्ते वाला ट्वीट हो या फिर शाहरुख खान के आमिर के मूवीज के ऊपर कमेंट, भाई मजा आ जाता है। तो जब आमिर खान की मूवी 3 इडियट्स रिलीज होने वाली थी तब आमिर खान वो मूवी का प्रमोशन करने कोलकाता गए थे, एकदम अपना गेटअप वेटअप चेंज करके कोलकाता गए थे एंड वहां पर आम आदमी लोग से मिल रहे थे। तो इसी के चलते शाहरुख ने इंटरव्यू में बोला कि हमारी मूवी का प्रमोशन करने हम लोग ऐसा छिछोरापन नहीं करते। तो उस पे आमिर खान ने को जैसा बोला, आमिर की फिल्म 3 इडियट्स आ रही है और वो शहर शहर जाकर अपनी फिल्म को प्रमोशन कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं, हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रमोशन हुआ नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप स्थिति आप किस स्थिति में जाकर प्रमोशन करेंगे अपनी फिल्म को और किस अंदाज में करेंगे? I don't know, हर फिल्म की ये दोनों सवालों का जवाब है। आपको बोला है ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी थोड़ा सा, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, थोड़ा छिछोरापन होता है, अभी उसी लेवल के हैं कि हम अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करने के लिए छिछोरापन करेंगे। सो वन इज दैट, अगर उनको लगता है कि मैं अपने देश में अलग अलग जगह जा रहा हूँ, अगर उनको ये छिछोरा लगता है तो ये उनका ख्याल है, मैं क्या कह सकता हूँ। अगर उनको लगता है कि जो मैं लोगों से जुड़ रहा हूँ, देश के हर प्रांत में जाके लोगों से मिल रहा हूँ और धरती से जुड़ रहा हूँ, ये मेरी कोशिश है, अगर उनको अगर ये कोशिश छिछोरी लगती है तो मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। यही है कि देखिए, जहाँ तक छिछोरापन का सवाल है, उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया छिछोरा, तो शायद वो इस चीज के बारे में ज्यादा जानते होंगे क्योंकि वो काफी चिचोरापन खुद अपनी जिंदगी में करते हैं, तो वो बड़े एक्सपर्ट हैं। करता झंडू बांध से जुबान से जिल्लत निकलेगी, खून निकलेगा कान से, मुंह से नहीं बकते हैं ये बकते अपने। तो भाई जब पीके मूवी आई थी तब पीके के पहले पोस्टर ने भाई धमाल कर दिया था, तो टेकिंग अ डिग एट द पोस्टर शाहरुख खान ने एक ऐसा कमेंट मारा, टैलेंट वी सॉ अ न्यू ब्रेव टैलेंट ऑफ मिस्टर आमिर खान टुडे, हैव यू सीन द पोस्टर्स, व्हाट डू यू हैव टू से एंड डू यू थिंक न्यूडिटी हैज कम ऑफ एज? ऑल राइट, दिस वी विल जस्ट टेक क्वेश्चंस विद द प्रॉपर्टी, डोंट गो देयर एंड से दैट्स अ टैलेंट। ओके आमिर, 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 शाहरुख आल्सो टुक अ डिग एट योर पोस्टर एट एन इवेंट, व्हाट डू यू हैव टू से? क्या 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 बोला, क्या बोला आपने? सुना नहीं कि किसी और के सामने मत कहना कि ये टैलेंट है, किसी और के सामने। मेरे पास 2-4 बहुत कमाल के जवाब आ रहे हैं।
देखिए, जो आदमी दूसरे के लिए होल डिक करता है उसका क्या होता है आप खुद मुझे बताइए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सोच मेरी देगी तुझे उल्टा सदमा, चलकर मुकदमा क्योंकि सच मेरे सर में, तू झूठ बोले डर में, भरोसा मुझे खुद पे। तो गाइस अगर तुम लोग ने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो तुम लोग को मालूम होगा कि मैंने एक गिव अवे अनाउंस किया था ये थग लाइफ ग्लासेस का, कि मैं नवंबर एंड में 5 लोगों को मेरी तरफ से ये थग लाइफ ग्लासेस गिफ्ट करूंगा। तो बस तुम लोगों को ये करना है, 1 मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। 2 मैंने इसी वीक व्लॉगिंग चैनल पे न्यू वीडियो डाला है तो भाई जाओ वीडियो को देखो एंड वीडियो को लाइक करो। 3 मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड मेरे को डीएम में बताओ कि तुम लोग ने सब स्टेप्स कंप्लीट कर दिए। दैट्स इट भाई, बस इतना ही करना है तुम लोगों को गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो गाइस ये थी आमिर खान की थग लाइफ वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट मारो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। से जरा भिड़ पाने कम, येड़े चाले करने वालों को यूं ही चबाते हम, बेटा दांत से ना करता बात हाथ से, अगर करूंगा हाथ से तो हो जाएंगे हाथ से, हैरान गली परेशान रास्ता।